आज राज ठाकरे द्वारा गुड़ी पड़वा के सभा के दौरान माहिम के पीछे वाले इलाके में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऐसा उन्होंने कहा है, इसके ऊपर खास जानकारी और खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिम और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवनी जी। सर, राज ठाकरे जी ने जो कुछ बयान दिया है उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है सर, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उस बारे में? देखिए, अगर उन्होंने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला है तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट। अगर कोई चीज़ इलीगल है तो वो तो लॉ के अगेंस्ट में है। बट कुछ लोगों ने मेरे से बात किया कि वहाँ एक चिल्ले के बारे में कुछ बात हो रही है। वो एक चिल्ला जो है पुराना, 600 साल पुराना, 6x6 फीट का एक चिल्ला है, जो 600 साल पुराना चिल्ला है। और मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उनको ये दूंगा, बिकॉज वो खुद, उनकी फैमिली जो है मखनू शाह में काफ़ी मानती है इधर, तो वो चिल्ले के बारे में तो बात नहीं की होंगे। हो सकता है सराउंडिंग में अगर कुछ अनऑथराइज हुआ है तो उसके बारे में अगर बात किए तो अनऑथराइज चीज़ तो जाना ही चाहिए। और जहाँ तक कि वो चिल्ले का बात चल रही है, जो चिल्ला जो है वो वहाँ मखदूम शाह बाबा अपनी लाइफ टाइम में जाके एक हाजरा किधर हयातु नबी से वो एजुकेशन लेते थे। ऐसे दो चिल्ले थे उनके, एक माही पुलिस स्टेशन में भी है जो एक रूम में वहाँ, क्योंकि लोगों को वहाँ एक्सेस नहीं मिलता है तो लोग यहाँ भी जाते, तो वो कोई मज़ार नहीं है, वो एक बैठक है। और एक चिल्ले के नाम से, एक हाजरा किधर हयातु नबी चिल्ले के नाम से वो रजिस्टर्ड है इन महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इन 2007। तो सर, अगर ऐसा कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन निकल के आता है तो आपकी तरफ से पूरा सहयोग का भरोसा दिया जा सकता है? 100% इसमें एजेंसीज लोग को, पूरी आर्कियोलॉजिक लोग को और हिस्टोरिक लोगों को उसमें पूरी तहकीकात करना चाहिए कि कौन सी चीज़ उसमें अनऑथराइज है आजू बाजू में, और जो भी अनऑथराइज है उसको टॉलरेट ही नहीं करना चाहिए। अनऑथराइज इज अनऑथराइज, बट जो चीज़ हिस्टोरिक है उसके ऊपर बोल के लॉ एंड ऑर्डर कभी खराब नहीं होना चाहिए। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास।